लास्ट वीक कनाडा में ऐसा लफड़ा हो गया कि पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी भैया। आपको विश्वास मत करना, मैं अभी आपको जो पुलिस का जो लेटर आया ना मैं बताता हूँ भैया। तो ये देखिए पुलिस का अभी लेटर आया, वो हमने खोल के रखा है। देखा MRC उसको पुलिस का ये है, सूरज द क्यूबैक, यानी पुलिस का जो उसका लॉग हुआ था, आपको मालूम पड़ेगा। पूरा का पूरा फ्रेंच में लेटर है भैया। लेटर में ये हमारा नाम लिखा है, मिस्यू मोदी, मिस्टर AJ। तो ये लफड़ा क्या हुआ पुलिस का, मैं चक्कर आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको भैया ये वीडियो में ये है ना भैया, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कनाडा में क्राइम रेट कैसा है स्टूडेंट लोगों के लिए, फैमिली के लिए क्या हाल चाल। मैं पूरा का पूरा अंदाज देता हूँ भैया। मेरा ये मकान है ना भैया, मैं यहाँ पर बहुत ही कम रहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी यहाँ पर आओ ना, आप कभी भी पास हो ना, मैं कोई भी दरवाज़ा लॉक नहीं करता हूँ। क्योंकि ये विश्वास है ना, विश्वास भैया, ट्रस्ट। अगर आप किसी को ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो उसको विश्वास करना कैसे सिखाएंगे। अगर आपको भी घर जाता हूँ बाहर, देखिए अभी हमारा दरवाज़ा खुला है भैया, दरवाज़ा भी हमारा पूरा का पूरा खुला रहता है, हमारी गाड़ी भी हमेशा खुली रहती है भैया। हमारी गाड़ी में भैया घुसने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती नहीं है भैया। देखिए जैसे हम यहाँ पर आएँगे भैया, पूरा का पूरा गाड़ी हमेशा खुला रहता है। घर के बाहर में कैमरा लगा हुआ है, देखा भैया दरवाजे के पास काला। तो अभी मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ कि यहाँ पे कैनेडा में भैया ये क्राइम का क्या सीन है। सब लोग क्या करते हैं पता है, इंडिया में भी मैं पेपर में पढ़ता हूँ तो सब बोलते हैं कैनेडा में क्राइम बहुत हो गया भैया, स्टूडेंट के लिए बहुत डेंजरस है। ये सब गलत बात है भैया। इंडिया के कई कई न्यूज़पेपर वाले ने कोई रिसर्च विसर्च करते भी नहीं थे, दो ठोकम ठोक अपनी दो पेपर की कॉपी ज़्यादा बिके उसके चक्कर में क्या क्या लिख देते हैं भैया। पुलिस ने इतनी पावरफुल और एफिशिएंट होती है ना भैया, जैसे अपने इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी टाटा बिरला रिलायंस कंपनी में कैसे प्राइवेट अधिकारी फटाफट काम कर देते हैं, यही होता है भैया। मैंने कंप्लेन किया उसका, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन उसके पहले बताना चाहता हूँ भैया कि यहाँ पे पुलिस ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम पे काम करती है भैया। हर ज़्यादातर लोगों के घर के बाहर कैमरे लगे हुए होते हैं भैया। यहाँ पे पुलिस का कम्युनिकेशन इतना पावरफुल है, अगर कोई चोरी डकैती करके भाग भी गया ना भैया, 15-20 किलोमीटर से आगे पास जा नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी जाएगी 100-125 की स्पीड के भैया, और पुलिस की सायरन वाली गाड़ी जाएगी भैया 150 की स्पीड से, आपको कहाँ से 2 मिनट में पकड़ लेगी भैया, और अगले 10 गांवों में भी बता देंगे कि आपको यहाँ पे आदमी छुटा हुआ भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है भैया। और दूसरा मैं आपको चीज़ बताता हूँ यहाँ पे मेन वैसे भैया, कि यहाँ पे मेरे को अच्छा आखिरी 10 साल में भैया 0 बैड एक्सपीरियंस। मैं मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैनकूवर आधी आधी रात को हुआ भैया, कोई मेरे को आज तक 0 परेशानी हुई भैया। और ये पुलिस का काम का जितना एफिशिएंट है भैया, जैसे मैं कंप्लेन करने गया ना भैया, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं, आप क्या है कुछ करते हो कुछ नहीं पूछते, पहले क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको, तुरंत आपको ना पूरा आपको पूछ लेंगे। और उनको जैसे आपने बताया ना भैया, आपको ऐसे कुएं में उतारने का धंधा नहीं करेंगे, आपको फंसाने के चक्कर में ही आपको बने उतनी हेल्प कर देंगे, और पूरा का पूरा सब लोगों को बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है भाई, क्या कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते भैया। मेरा क्या हुआ, जब मैं दवा खाने गया ना हॉस्पिटल में भैया, तो मेरा जो पीछे का विंडो ना पूरा का पूरा किसी ने स्मैश कर दिया भैया। तो मैं दवा खाने की अपॉइंटमेंट ख़त्म करके जैसे बाहर आया, तो मेरा पूरा अपॉइंटमेंट का पूरा विंडो स्मैश हो रखा था, और विंडो का ये चेंज करने का प्राइस करीबन $700 है। तो मैंने बोला भैया किसी ने ऐसा क्यों किया, तो मैंने पुलिस को फोन किया भैया। विदिन 10 मिनट्स भैया पुलिस वहाँ पे आ गए फटाक से, तो बोले क्या हुआ। तो उसने मेरे से थोड़ी सी बात की और उसने बोला कि उसका कैमरा नंबर में से उसने कैमरा देखा और वीडियो रिकॉर्डिंग देखा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग उसने देखा, फिर उसने क्या किया, सबके सब जो जो एंगल में आते थे ना उस एरिया में, सबके कैमरे उसने देख लिए भैया। और उनको मालूम पड़ गया भैया कि ये है ना भैया, इस एरिया में जो 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 आपका जो कार का जो टूटा भैया, उसमें आसपास में कोई भी आदमी नहीं था। तो जो मेरा कार का जो ये कांच टर्न भैया, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भैया वो टूट गया था। तो उन्होंने भी ऐसे तुरंत बता दिया, और मेरे को 1 हफ्ते में भैया ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी दे दिया घर पे, कोई 1 रुपया भी लांच रुश्वत नहीं खिलाना पड़ा भैया। तो क्या मेरे घर पे सर्टिफिकेट आ गया कि ये ऑटोमेटिक ये टूटा हुआ है। मैंने अपने इंश्योरेंस वालों को बता दिया, और इंश्योरेंस वाले ने भैया उसका जो काम का जो क्या पैसा वैसा देना है तो दे दिया भैया। तो काम इतना सरल हो जाता है भैया। और दूसरा चीज ना मैं बताता हूँ, यहाँ पे हर एक ट्रैफिक सिग्नल पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे कैमरे लगे हो, कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ के जा नहीं सकेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक टिकट आपके घर पे आ जाएगी भैया। कोई अगर कनाडा में आपके घर पे चोरी करने आएगा भैया,
तो सोच लो चोरी करने आएगा तो क्या चोरी करेगा भैया। यहाँ पे सबके घर पे भैया एक रुपया भी देला भी आपको नहीं मिलेगा, सब बैंक कार्ड से काम काज चलता है नंबर वन भैया। तो दूसरा क्या चीज करता है, गोल्ड तो यहाँ पे गोल्ड होता है 5 कैरेट 3 कैरेट का गोल्ड लोग पहनते हो, गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं रहता भैया, 22 कैरेट का इंडिया का वैल्यू होता है। यहाँ पे गोल्ड एंड सब दिखावे के लिए पहनते हैं और ब्यूटीफुल लगने के लिए दिखते हैं। इंडिया में जो गोल्ड पहनते हैं वो अपना पावर और अपना क्या ब्यूटी तो ठीक है, लेकिन अपना क्या पावर ऐसा दिखाने के लिए कि हमारे कितने पैसे वाले हैं। कभी कभी देखेंगे तो कोई आदमी पुरुष होंगे ये जाड़ी जाड़ी लट्ठे वाली चैन पहनेगा भैया, और उनको इसमें इनको ब्यूटीफुल लगने में कोई इतना रस नहीं होता, वो बताना चाहते कितना पावरफुल है। यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है भैया, यहाँ पे एकदम पतली बारीक सी नाजुक सी अच्छी चेन पहनते हैं ताकि आप ब्यूटीफुल लगे, और ऐसी चेनों को आप चोरी कौन करेगा भैया। इसलिए घर में ना ही गोल्ड होता है ना ही उनके पास कैश पैसा होता है भैया, तो क्या उठा के ले जाएगा लैपटॉप। अरे लैपटॉप भैया 200-200, 300-300 रुपये में सेकंड में ठोकले कुटाते हैं भैया यहाँ पे। यहाँ पे और क्या, कोई टीवी उठा के ले जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज उठा के ले जाओगे तो उसको बेचने तो जाओगे ना भैया, तभी बेचने जाओगे कहीं पे भी कोई सेकंड हैंड स्टोर में भैया, तुरंत पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका ड्राइवर लाइसेंस दो, आपका ये दो वो दो, आपका पूरा का पूरा जन्म कुंडली वो पूछ लेगा भैया। तो आप है ना, आपने जो भी कुछ गलत काम किया होगा ना भैया, तो ज़्यादा देर तक आपका काम चलेगा नहीं। यहाँ पे चोरी न करने के कारण क्या है पता भैया मेन, कि यहाँ पे इकोनॉमी इतनी पावरफुल है भैया। अगर आप जॉब होगी तो सरकार पैसे देती है, अगर आपके पास जॉब नहीं होगी भैया तो भी सरकार आपको बेकारी भत्ता देती है, और बेकारी भत्ता इतना मस्त देती है भैया लाकड़ा तोड़ भैया, का आप इंडिया में किंग ऑन किंग ऐसी जिंदगी यहाँ पे बेकारी भत्ता में जी सकते हो भैया। तो यहाँ पे क्रिमिनल रेट कैसे आएगा भैया, जब क्रिमिनल रेट कब आता है पता भैया, जब गरीब और पैसे वाले में जितना बड़ा अंतर होता है उसकी वजह से क्राइम आता है, वो यहाँ पे है नहीं भैया। और एक चीज बता दो भैया, अमेरिका में गन आपको बहुत देखने मिल जाएगी, बहुत लोगों के पास पिस्तल होती है। जब मैं न्यूयॉर्क में था भैया, ये लॉस एंजल में हम लोग घूमने गए तब देखा था भैया, सबके पास गन रहती है। यहाँ पे कैनेडा में भैया मैंने आज तक भैया किसी के पास गन देखी नहीं है पुलिस के अलावा भैया, आपको बकायदा लाइसेंस चाहिए भैया, और यहाँ पे ऐसा कोई जीरो प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी इतनी फर्स्ट क्लास बैलेंस है भैया, सबके पास सब चीज़ खरीदने के पैसे रहते ही रहते हैं, तो ये अच्छा है भैया। और मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा ये पुलिस केस हुआ भैया, तो उसमें मेरे ख्याल से पहला पुलिस केस था, मेरे को थोड़ा टेंशन था कि मैडम आएगी मेरे को क्या पूछेगी। तो पुलिस में जैसे मैडम आए तो बोले क्या हुआ, मैंने बोला पीछे का कांच का दरवाज़ा किसी ने तोड़ लिया। तो उसने तुरंत हॉस्पिटल के स्टाफ को फ़ोन किया कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दो, तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया, कोई जीरो प्रॉब्लम जीरो फॉल्ट भैया। और यहाँ पर मैंने देखे अच्छे भैया, कोई भी क्रिमिनल हो भैया उसको भैया दो दिन तीन दिन में भैया उसका ठिकाना लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन यानी कि आदमी भाग के जाएगा भी कहाँ भैया, पूरा का पूरा ये 1-2 मिनट में भैया पूरा सबको मालूम पड़ जाएगा ये कहाँ पे है। यहाँ पे हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पे है भैया, हर चीज़ ऑनलाइन पे है, सबका सोशल इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन है, डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन है भैया, पासपोर्ट ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन पे चलता है। यानी कोई भी आदमी इलीगल करके जाएगा ना भैया, उसको फिंगरप्रिंट नहीं तो उसको आई स्कैनिंग नहीं तो कुछ भी करके भैया उसने पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, तो 2 मिनट में भैया उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो यहाँ पे जो अभी जो स्टूडेंट लोग आके डरते हैं, जो पेपर में अभी एक किस्सा आया था कि भैया किसी का ये हो गया ना वो गया भैया, तो हर गांव होता है उसमें भैया ढेढवा जाता होता है, हमारा गुजरात में एक कहावत है कि हर गांव होता है वहाँ पे ढेढवा था, नहीं खराब लोग तो होते हैं, उसकी वजह से पूरा गाँव की इज्जत नहीं होती भैया। एकाध आदमी का किसी ने भैया टेंशन की वजह से नहीं, जो किसी और आदमी का भैया, देखिए ये लोग कैसे घूमने आए, देखिए मस्त है भैया, तो वो बच्चे खाली ऐसे स्कूटर चलाने आए थे भैया। तो यहाँ पे पूरा गांव की नहीं है कि पूरा देश का भैया, एक आपको जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि भैया एक आध छोटा सा किस्सा हो गया तो बोले कनाडा में क्राइम बढ़ गया भैया, कनाडा में क्राइम जीरो है भैया, यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे घूमता हूँ भैया,
जीरो जीरो प्रॉब्लम भैया। यहाँ पे पुलिस पब्लिक इतना हेल्पफुल और सपोर्टिव है भैया, यहाँ पे राम राज्य है, राम राज्य, जीरो प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर एक आध किस्सा कहीं पे भी हो गया भैया तो बैड लक होगा, नहीं तो किसी का बहुत ही रेयर रेयर केस में ऐसा होता भैया। यहाँ पे और कंट्री के कंपेयर में यहाँ पे क्राइम बिल्कुल जीरो है भैया। तो अगर आपके बच्चे नहीं तो आपका फैमिली यहाँ पे कोई भी रह रहा है ना भैया, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ भैया, अगर आपको है ना भैया कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 911 कॉल करेंगे ना, डायरेक्ट पुलिस आ जाती है भैया। और यहाँ पे आके पुलिस बात नहीं करती भैया, हर पुलिस वाले ना भैया बंदूक से लस होते हैं भैया, कुछ भी लफड़ा फुफड़ी करके कोई भी आपको परेशानी करेंगे ना भैया, तो आपका ये आपके साथ न्याय जरूर होता है भैया। तो ये बहुत देख लेना भैया। तो ये हमारे देश में भैया ये बहुत बहुत अच्छा सुविधा है पुलिस का भैया, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भैया। ये इंडिया के भैया ये 2 रुपए के पेपर में भैया वो छाप देते हैं कि भाई कैनेडा में क्राइम बढ़ गया भैया, तो ये चीज़ें मानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं भैया। ये लोग पेपर वाले ऐसा क्यों छापते हैं पता भैया, उनका 2 रुपए का पेपर ज़्यादा बिके इसलिए भैया। बाकी यहाँ पे देख लीजिए भैया, आपको कोई लगता है कोई क्राइम हो ऐसा? यहाँ पे कोई बार है ही नहीं तो क्राइम कैसे होगा भैया, बताइए हमको। तभी हम लोग घर पे चलते हैं भैया और थोड़ा खाना बना खा लेते हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लीजिए भैया, ताकि और भी लोग आपके जो देखने वाले आपके फ्रेंड्स और फैमिली वाले जो हैं तो उनको भी मालूम पड़े कि यहाँ पे भैया क्राइम का कोई भी जरा भी सीन नहीं है भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।